एजुकेशन भी एक तरह का व्यापार बन चुका है, सीखना और सिखाना दोनों तरफ से। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिखाने वाले जो लोग हैं वो व्यापार कर रहे हैं, सीखने वाले भी कर रहे हैं। हमेशा आपने ये जो टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ आज, ये सीखने वालों की तरफ से तो सुना होगा कि यार धंधा बना के रख दिया इन टीचर्स ने तो, या इन अकेडमीज ने तो। आज मैं एक अकेडमी की तरफ से, एक शिक्षक होने के नाते, हमें क्या महसूस होता है जब विद्यार्थी व्यापार बना लेते हैं संगीत को, उस बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। जो मेरे ख्याल से अब तक मैंने तो नहीं सुनी कि कोई शिक्षक इस चीज़ की अपनी जो व्यथा है उसका किसी ने बखान किया हो, तो आज मैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि हम शिक्षकों को या संस्थाओं को कैसा लगता है जब शिष्य जो हैं वो व्यापार बना लेते हैं। शिक्षण संस्थाएं तो बनाती ही हैं व्यापार, वो तो मैं खुद जानता हूँ, आज उस बारे में भी चर्चा कर लेंगे, लेकिन किस तरह से विद्यार्थी व्यापार बना लेते हैं, लेन देन दुकानदारी समझ लेते हैं, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। पूरा वीडियो देखिएगा। काम की बात मैंने की ही नहीं, काम की बात मैंने की ही नहीं। डायरेक्टली ना सही, मगर हाँ आपके लिए ये एक तरह का ट्यूटोरियल जरूर है। एज अ स्टूडेंट मैंने जो चीज़ें जानी सीखी वो मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। ये कोई लेसन, ट्यूटोरियल, लेक्चर ऐसा ना समझें। एक स्टूडेंट आप दूसरे स्टूडेंट से एक बातचीत कर रहा है वो समझ लीजिएगा। शिक्षा में दक्षिणा होती है। जब हम किसी से कोई चीज़ सीखते हैं तो ऐसा रिवाज है, ये रस्म है, ये प्रेम है, ये भावना है, ये विश्वास है कि हम बदले में उन्हें कुछ दिया करते हैं, उनके ऋण है ना एक तरह से, हम पर ये कर्ज होता है शिक्षा का। तो उससे उऋण होने के लिए, वैसे तो हम हो नहीं सकते, उम्र भर भी हमारे गुरुओं के लिए हम कुछ भी करते हम उऋण हो नहीं सकते, लेकिन हम अपनी तरफ से कुछ चुकाने की, उस ऋण को चुकाने के लिए कुछ देने की कोशिश किया करते हैं, जिसको आजकल फी कहा जाता है, दक्षिणा कहा जाता है, कॉस्ट बोली जाती है चीज़ों की, कोर्स की कॉस्ट होती है ना कि 6 महीने का कोर्स खरीदा है। क्योंकि ज़्यादातर शिक्षक भी ऐसे ही होते हैं जो दुकानदारी चला रहे हैं कि 1 महीने का कोर्स है तो ये हम बेच रहे हैं आपको, कोर्स बेचते हैं, मैनेजमेंट है यही, थोड़ा बहुत मार्केटिंग है, करनी ही पड़ती है कि अगर आपको अपने लेवल आगे बढ़ाना है, शिक्षा का स्तर बढ़ाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है तो थोड़ी मार्केटिंग भी ज़रूरी होती है। हम लोग भी करते हैं कि हमने भी 6 महीने का कोर्स, साल भर का कोर्स, महीने भर का कोर्स डिज़ाइन कर रखा है कि आप ज्वाइन करेंगे, हमारा भी मोबाइल एप्लीकेशन है, हम भी अलग अलग सिलेबस हैं हमारे, तो वो तरीका हमारे पास भी है सिखाने का, सेम वही वाला। लेकिन बात हो जाती है नीयत की। नीयत वो चीज़ है, मकसद वो चीज़ जिस वजह से आप उस लाइन में आए, आप शिक्षा में क्यों आए, शिक्षक क्यों बने, क्योंकि आप शिक्षित करना चाहते हैं बच्चों को, आप चाहते हैं कि आपके पास जो स्किल है, जो आपने अपने गुरुओं से ली है, अब आप वो आगे बांटें। मैं इसी ही वजह से शिक्षा की लाइन में आया कि मैंने जो अपने गुरुओं से लिया, उनकी सेवा करके या उनकी कृपा रही जो मुझ पर, तो वही चीज़ आगे बांटने के लिए मुझे अच्छा लगा, तो मैं इस लाइन में आया, शिक्षा की लाइन में आया। कलाकार हूँ, कला के क्षेत्र में काम करता हूँ, मगर चीज़ें देना मुझे अच्छा लगता है, सिखाना समझाना मुझे अच्छा लगता है, इसीलिए मैं वीडियोस बना लेता हूँ, क्लासेस में मिल लेते हैं। लेकिन बात मुश्किल तब हो जाती है जब वहाँ उस समय का, शिक्षा का नहीं, समय का मूल चुकाना पड़ता है, मूल्य चुकाना पड़ता है, वैल्यू किसी भी चीज़ की कॉस्ट होती है ना, देनी पड़ती है।
निःशुल्क जब कोई चीज़ हमें मिलती है या बिन मांगे जब कोई चीज़ हमें मिलती है तो उसकी कद्र हमें नहीं होती है, या कम दाम में बहुत सारी चीज़ मिल रही है तो हम उसे वेस्ट करते हैं, हमें लगता है तो क्या हो गया फिर ले आएंगे, सस्ती ही तो है। ये दुविधा बनी ही रहती है एक सिखाने वाले और एक सीखने वाले के बीच में कि सर आपकी फी बहुत ज्यादा है, कारण है उसके पीछे कोई या हम सिर्फ लूटना चाहते हैं, कारण क्या है फी ज्यादा होने का, नियत क्या है उसका फर्क पड़ता है। कीमत तो बहुत जगह ज्यादा होती है चीजों की, हम मोल भाव करना शुरू कर देते हैं कि सर आपकी फ़ी बहुत ज़्यादा है थोड़ा कम कर लीजिए, हमारी ये असुविधा है या हमें फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है हम उतना कि हम इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो सामने वाला एक जवाब देता है कि भाई हमारी तो यही फ़ी है, आप किसी और जगह जाइए किसी और दुकान पे पूछ लीजिए, ये ज़्यादातर होगा। हम ऐसा नहीं करते। हमारे पास अगर कोई विद्यार्थी आता है और कहता है कि सर आपकी फ़ी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि है भी कहीं 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 जगह होगी, अगर आप मुझसे पर्सनल क्लास लेते हैं या वन ऑन वन एक घंटा मुझसे सीखते हैं तो बट ऑफ कोर्स उसके चार्जेस जो हैं वो ग्रुप क्लासेस से ज़्यादा होंगे, तो मैं उसको सबसे पहले तो ग्रुप क्लासेस का सजेशन देता हूँ कि देखिए कि मेरे पास समय उतना नहीं हो पाता इसीलिए मेरे समय की कीमत थोड़ी ज़्यादा है कि मुझे बहुत सारे काम करने हैं, यूट्यूब भी करना है, गुरुजी भी हैं मेरे उनसे भी सीखना है, मुझे स्टूडियो भी संभालना है, क्लासेस मेरी खुद की प्रैक्टिस, बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, तो इस वजह से उस समय की कीमत ज़्यादा है। तो व्यक्ति कहता है कि फिर इसका ऑल्टरनेट, तो हम ऑल्टरनेट के रूप में उसे ग्रुप क्लासेस सजेस्ट करते हैं, वहाँ बट ऑफकोर्स थोड़ी फ़ी कम होगी क्योंकि बल्क में सिखाया जा रहा है ना, तो वो होता है ना होलसेल, तो वो वाला मामला है। वहाँ भी अगर विद्यार्थी को लगे कि नहीं सर ये भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तब भी हम उसे खाली हाथ नहीं जाने देते, तब भी हम उसे कहते हैं कोई बात नहीं, हमने ये सारा का सारा काम YouTube पर निःशुल्क दे रखा है, आप वहाँ जाइए और सीखिए। वहाँ भी जाकर अगर वो खुद से न कर पाए उसकी भी सुविधा हमने जुटाई है, हमने एक वीडियो बना रखे हैं जिसमें हमने पूरा चैनल एक्सप्लेन कर रखा है कि ये वीडियो देखिए, आप जान जाएंगे कि हमारे चैनल पे कैसे कैसे कहाँ कहाँ प्लेलिस्ट हैं, लय की, ताल की, गाने की, हारमोनियम की, तबले की, ढोलक की, सितार की, डांस की, हर प्रकार की प्लेलिस्ट मैंने एक्सप्लेन की उस वीडियो में अपने चैनल को, तो खाली हाथों से नहीं जाने देते। लेकिन बात ये हो जाती है कि आदमी जिद पर अड़ जाता है कि नहीं मुझे तो आप ही से सीखना है और आप ही की फ़ी कम करनी है, वहाँ ज़रा सा मतभेद हो जाता है, कई बार व्यक्ति को बुरा भी लग जाता है और सबको हम खुश रख नहीं पाते, तो लोगों के इल्ज़ाम भी आते हैं, आप तो बस बेच रहे हो संगीत को, आप तो पैसा लेते हो। हम कितना काम निःशुल्क में करते हैं ये बहुत कम लोग देख पाते हैं, चैरिटी के तौर पे जितना काम हम करते हैं, यूट्यूब पर जितने वीडियोस हमने दिए हैं शिक्षा को लेकर संगीत की, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इतने वीडियोस किसी के नहीं होंगे, और ये कोई मेरा घमंड नहीं है, ये मेरी मेहनत पे मेरा फ़ख्र है, ये हमारी मेहनत पे मेरा फ़ख्र है, हम सबका फ़ख्र है। संगीत प्रवाह वर्ल्ड की टीम वर्षों से काम कर रही है, 2012 से ये चैनल चल रहा है और उससे पहले भी हम ऑफलाइन सिखाया करते थे, मगर बात ये आ जाती है कि जब अंगूर हमें हासिल ना हो तो अंगूर खट्टे हैं कह दिया जाता है, यानी फिर कोई ना कोई मीन मेख हम उसमें निकाल के ही जाएंगे, कोई कमी बता के जाएंगे कि ये नहीं हमें पसंद है क्योंकि ये ऐसे हैं, इन्होंने नहीं सिखाया, गुरु ने नहीं सिखाया, ये इल्ज़ाम गुरु पे लगता ही लगता है कि उन्होंने हमें समय नहीं दिया, हमने कितना किया आत्मांकलन इंट्रोस्पेक्शन हम नहीं करते हैं, अपने गिरेबा में हम नहीं झांकते हैं, कोई बात नहीं, तब भी एक गुरु मुस्कुराकर यही कहता है कोई बात नहीं, क्योंकि ये गुरु की प्रवृत्ति होती है। रिश्ता बनता है जब हम सीखते सिखाते हैं, रिश्ता बनता है दुकानदारी नहीं। संस्कार लिए जाते हैं ना तो माता पिता की तरह हमारे गुरु होते हैं, उससे भी ऊपर होते हैं एक्चुअली में, ये मैं अपने लिए भी कह रहा हूं। उस रिश्ते को तोड़ना इतना आसान नहीं अगर वो एक बार बन जाए, और ये वाकई ऐसा मत समझिएगा कि मेरे साथ हाल ही में कोई ऐसा इवेंट हुआ है या कुछ हुआ है मैं या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की वजह से ये वीडियो बना रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, बरसों से सिखा रहा हूँ तो बरसों से ये चीज़ें होती आई हैं मेरे साथ, आज ऐसे ही सोचा कि इस पर बात भी कर ली जाए इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ, ऐसा कुछ रीसेंट इवेंट्स पर आधारित सत्य घटनाओं पर आधारित ये कहानी है, हाँ वैसे तो है लेकिन रीसेंट हुआ है उसी वजह से कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी अगर हाल ही में भी हुआ है और होता ही रहता है तो ये कोई बड़ी बात नहीं लगती। अब मुझे एक और शख्स छोड़कर चला गया तो क्या हुआ,
ये कौन सा हमारे साथ पहली मर्तबा हुआ। तहजीब हाफिज साहब का ये शेर है कि ये कौन सा पहली बार हुआ मेरे साथ, ये होता रहता है एक और शख्स अगर हमें छोड़ के चला जाता है तो एक और स्टूडेंट अगर चला जाए और वो स्टूडेंट अगर ऐसी बातें करे तो ये इस पर ताज्जुब नहीं होता मुझे, क्योंकि अब लगता है कि हाँ ये तो नियति, ऐसा होता ही है। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि क्लास नहीं लेनी है, मैसेज पे मना कर देते हैं कि सर अब हम कंटिन्यू नहीं कर सकते। सोचिए कि किसी से आपको ब्रेकअप करना है, हिम्मत नहीं है कि उसको फेस कर सकें, उसके मुंह पे ये बात कर सकें, आंखों में आंखें डाल कर कह सकें, तो हम मैसेज पर ब्रेकअप कर लेते हैं। सोचिए कितना बुरा होगा ये। उस तरह से आप एक रिश्ता तोड़ते हैं गुरु के साथ, मैसेज पे कह देते हैं कि, या फिर कई बार कहते ही नहीं है, ऐसा भी होता है, आना बंद कर देते हैं बस। तो गुरु भी अपने आप समझ जाते हैं कि लगता है अब ये नहीं आएगा, रिश्ता तोड़ चुका है। ऐसा मत करें प्लीज़, ये ठीक बात नहीं है मेरे ख्याल से। अगर गुरु के साथ एक रिश्ता बनाए, गुरु ने आपके अंदर इन्वेस्ट किया है सिर्फ पैसा नहीं, इमोशन। अगर सदगुरु है तो, मैं सिर्फ उन्हीं की बात कर रहा हूँ, है ना, मैं सदगुरु और अच्छे ही विद्यार्थियों की बातें यहाँ करता हूँ। जो एक्सेप्शन हैं उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, कि जो स्टूडेंट ही ऐसे होते हैं जो थोड़े से मन में है कि इनसे तो मैं पैसा दे रहा हूँ और इतना ले लूँ, खरीद लूँ, और जो गुरु भी ऐसे ही हैं कि मैं इनको बेच दूँ, मैं इतना ले रहा हूँ तो इतना, क्योंकि वो फिर गुरु नहीं होते, शिक्षक उनकी तासीर टीचर की नहीं होती, मैनेजमेंट वाली होती है। तो जिनकी मैनेजमेंट वाली तासीर है, जिनका नेचर ही ये छापना है और आगे से आगे एक सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़ते रहना, अपने अकेडमी को आगे बढ़ाना है, उनकी बात नहीं कर रहा मैं, शिक्षकों की बात कर रहा हूँ जो वाकई सिखाना चाहते हैं। वो इन्वेस्ट हो जाते हैं आप में, वो रिश्ता बना लेते हैं आपसे, गुरु शिष्य का रिश्ता बन जाता है, वो आपके लिए मेहनत करते हैं, एडजस्ट करते हैं, आप नहीं आते हैं तो एब्सेंट भी नहीं करते, ठीक है कोई बात नहीं, नहीं आया व्यक्ति। लेकिन मेरा एक बहुत अच्छा मानना है ज़िंदगी को लेके, जो जितना कुछ मैंने इतनी सी उम्र में जाना समझा है उसी पर बोल रहा हूँ। जो आपके अंदर एक खूबी होती है ना, कोई भी एक अच्छी क्वालिटी होगी, ये दुनिया उसे चैलेंज करती है, आपको जांचती, आपकी परीक्षा लेती है, जो परीक्षा हरिश्चंद्र जी की हुई थी, जो परीक्षा कर्ण की हुई थी, कि अगर तुम में वो क्वालिटी है तो वो जांची जाएगी, तुम दानवीर हो, देखते हैं कब तक दान दोगे। मांगा जाता है, बहुत कुछ मांगा जाता है। तुम सत्यवादी हो, आओ तुम्हारे सत्य की परीक्षा लें। तुम एक अच्छे शिक्षक हो, तुम प्रेम भावना से सिखाते हो, आओ इस चीज़ की परीक्षा ली जाए। तो चैलेंज पे चैलेंज, ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसी ऐसी सिचुएशंस आती है ये जांचने के लिए कि क्या तब भी तुम वैसे बने रहोगे। और यही होता है, वो मासूमियत, वो सच्चाई व्यक्ति खोता जाता है, क्योंकि उसे लगता है यार नहीं यार, मुझे दुनिया की जैसा ही बनना पड़ेगा, आँख के बदले आँख ही लेनी या देनी पड़ेगी, और फिर पूरा विश्व अंधा होता जाता है। जो गांधी जी ने कहा है ना कि आँख के बदले आँख और पूरा विश्व अंधा हो जाएगा, बदले की भावना। तो अगर स्टूडेंट ने मेरे साथ ऐसा किया, तो आने वाले जितने स्टूडेंट हैं सबके साथ मैं भी ऐसा ही करूँगा। पत्थर बनता जाता है व्यक्ति, वो भावना एक होता जाता है कि मैं सिखाने में फिर कटौती रखूँगा, छुपाऊँगा अपने पास, करता जाता है, देखा है मैंने होते हुए खुद में भी, इसीलिए। लेकिन तब ऐसी ही सिचुएशन में उस व्यक्ति को खुद को समझाना होता है कि नहीं, विषय के साथ बेईमानी नहीं, किसी एक व्यक्ति की वजह से दूसरे व्यक्ति का नुकसान नहीं, ये फर्ज है हमारा सिखाना, वो फितरत है उसकी, छोड़ के जाना, सीधी सी बात है ना। वो कौन सी मूवी थी ना, थग्स ऑफ हिंदुस्तान, उसमें आमिर खान साहब कहते हैं, उनका डायलॉग आता है कि धोखा फितरत है मेरी, तो अमिताभ बच्चन जी इसके रिवर्स में उनको कैरेक्टर वो जवाब देता है कि भरोसा मेरी, कि मेरी भरोसा फितरत है तेरी, तुझे काटना आता है ना तू काट, है ना, बिच्छू है, बिच्छू की तो फितरत होगी, काटेगा ही वो, लेकिन हमारी भरोसा फितरत है तो हम भरोसा किए जाते हैं। तो कई बार ये दुनियादारी हमें देर से ही सही मगर समझ ज़रूर आ जाती है, मगर मैं बचता हूँ, कोशिश करता हूँ उस दुनियादारी से बचे रहने की, वरना मेरे अंदर का वो निर्मल निश्चल भाव खत्म होते ही मेरे अंदर से संगीत खत्म हो जाएगा, फिर मैं बेचने वाला बन जाऊँगा, फिर मैं एक सेल्समैन बन जाऊँगा, और सेल्समैन ही बनना होता तो मैं कॉमर्स न ले लेता, है ना, कॉमर्स फील्ड का होता फिर मैं, लेकिन मेरी प्रवृत्ति वैसी नहीं थी, कभी नहीं रही, कला क्षेत्र का रहा हूँ तो वो कला में ही मैं बना रहना चाहता हूँ। लेकिन क्या होता है, कई बार रोटी तो हमें भी खानी है, घर हमें भी चलाना है,
तो पैसा तो हमें भी लेना ही पड़ेगा ना, उसी अनुसार। तो इसमें हम अगर मूल मांग रहे हैं आपसे, तो ये सोचना कि यार ये तो पैसा ले रहे हैं, तो भैया हमने निःशुल्क भी तो सिखाया है यूट्यूब पे, वो क्यों नहीं देखते हो? वहाँ कोई कमी छोड़ी क्या? कोई भी बात ऐसी है जो मैंने यहाँ नहीं बताई और मैं क्लास में बताता हूँ? ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा और कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तो क्लास की रिकॉर्डिंग्स डालता हूँ, देखी हैं आप लोगों ने, सिखा किसी और को रहा हूँ, वीडियो आप लोगों के लिए बना दिया। क्यों करता हूँ मैं ऐसा? या मेरे पिताजी क्यों करते हैं ऐसा? मेरी बहनें क्यों करती हैं? हमारा परिवार या संगीत प्रभा वर्ल्ड का कोई भी स्टूडेंट ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि हम यही बीज डालते हैं कि भैया देते रहो, जो तुम्हारे पास हो बांटो। यही हमारी फितरत है, यही हमारी संस्कृति है, देना। विश्व गुरु कहा जाता है भारत को, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हम लोगों की प्रवृत्ति है सिखाना, देना, बांट देना जो कुछ हमारे पास है। आओ, जो तुम आओगे, मेहमान भगवान समान होता है ना, देते जाओ, अतिथि देवो भव। तो हमारे लिए तो वो बात हो जाती है सिखाना, लेकिन फिर ऐसे में यही होता है कि स्टूडेंट्स उस चीज़ का गलत फ़ायदा भी उठाते हैं। वो देख लेते हैं, हाँ ये ठीक बेवकूफ़ मिल गया है, लपेटो इसको। तो आओ लपेटो, कितना लपेटोगे, कितना निकाल सकते हो हमारे अंदर से? हम तो ऐसे स्टूडेंट की तलाश में रहते हैं जो हमें लूटना चाहता है, जो हमें निचोड़ना चाहता है कि यार इनमें से ये बढ़िया बेवकूफ़ मिल गया, ये बांट रहा, इससे सब ले लो, ले लो। हम तो चाहते हैं देना। आप मुझसे सवाल तो कीजिए, मैं तुरंत उस पर वीडियो बना के आपके सामने दे देता हूँ, और कुछ भी उसमें छोड़ता नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं। मैं तो लोगों से जा जा के मिल मिल के उनसे लेकर आपको देता हूँ, क्योंकि ये मेरी फितरत है, मुझे अच्छा लगता है, कोई एहसान नहीं है इसमें। लेकिन बस ये है कि विद्यार्थियों से मेरी ये दरख्वास्त है, एज अ स्टूडेंट मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये सारी बेईमानियाँ छोड़ दीजिए। ज़िंदगी में कभी सफल नहीं होंगे, गुरु के साथ कपट अगर आपने किया है, जीवन में नहीं, मुमकिन ही नहीं है। वो एक शाप की तरह लगता है, भले ही आप मानते हो इन सब चीज़ों में या नहीं, वो शाप गुरु नहीं देते हैं, गुरु कभी नहीं देंगे, माँ बाप कभी नहीं देंगे। वो तो पवित्र लोग होते हैं, उनके मन में अपने बच्चों के लिए, क्योंकि गुरु शिष्य को अपने बच्चों की तरह रखता है, तो वो कभी शाप नहीं देगा। वो देता है, नियति देती है, समय देता है, गुरु के साथ कभी नहीं। मित्र के साथ, गुरु के साथ कपट, अपने पेरेंट्स के साथ कपट आप कभी मत करिए। पैसे को लेकर आ जाती है बातें, वही बात है, और कुछ नहीं होता है। कई बार शिष्य के मन में भी नहीं होता है, गुरु के मन में भी नहीं होता है, लेकिन उस रिश्ते की बीच में जो ब्रिज होता है ना, वो कई बार फीस का और दक्षिणा का होता है, और वो आपको समझना चाहिए कि सामने वाले का भी घर उसी से चल रहा है। हम लोग भी अगर वीडियोज़ बना रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, तो भैया इसी से होता है ना। हम ऐसे तो है नहीं जो हमारे पास बहुत डोनेशन आते हों, ऐसा नहीं है। काम हम संगीत की शिक्षा का कर रहे हैं, वो भी इंडियन क्लासिकल का, तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि हम करोड़ों में खेल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये आपको भी सोचना होता है कि आपने वो फ़ी डिपॉज़िट करी है, उसके बदले हम आपको सिखा रहे हैं, तो वो टाइम पीरियड भी देखिए ना। एक एक महीने की फ़ी में चार चार महीने खींच रहे होते हैं कई स्टूडेंट्स, तो क्यों? क्योंकि मैं एबसेंट नहीं मार्क करता, या मैं थोड़ा लीनियंट हो जाता हूँ कि कोई बात नहीं, छुट्टी ले लेते हैं बच्चे। ये नहीं सोचते बिल्कुल भी कि टीचर का भी तो टाइम वहाँ गया होगा, बिल्कुल नहीं सोचते। और फिर अगर हम थोड़ी स्ट्रिक्टनेस दिखा दें तो सामने वाले को बुरा लगता है, होता है ऐसा, और होता रहेगा, मुझे मालूम है। मेरे ये वीडियो बनाने से ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं किसी व्यक्ति पर, मगर हाँ, अगर किसी के मन में एक विचार भी उठ जाए तो बात हो जाएगी। तो वो चीज़ है, थोड़ा इसको बिजनेस बनाना बंद कीजिए। हम जैसे संगीत शिक्षकों से भी मेरी दरख्वास्त है, और हम ही जैसे, मेरे ही जैसे संगीत के शिष्यों से भी मेरी ये दरख्वास्त है। मैं अपने ये जो कुछ बातें मैं यहाँ बताता हूँ ना, ये मैं अपने आप पर लागू करता हूँ, इसीलिए मैं बताता रहता हूँ कि रिश्ता बना के सीखिए, फिर देखिए। ये मत सोचिए कि आज की क्लास में गया हूँ तो क्या मिला है, ये सोचिए आज मैं अपने गुरु के पास गया हूँ तो मैंने क्या क्या जान लिया। ऐसा नहीं कि मैंने उनसे क्या निचोड़ लिया, उन्होंने मुझे क्या बता दिया, तुमने क्या सीख लिया। जब आप क्लास में जाएं, तैयार होके जाएं, आपके पास सवाल होने चाहिए। गुरु की जिम्मेदारी नहीं है सिखाना, आपकी है सीखना, मेरी है सीखना। आपके पास सवाल ही नहीं होते, आप सारा का सारा दारोमदार ही उन पर डाल देते हैं कि वो बताएंगे। उनकी बताई गई बातों को आप फॉलो कर नहीं रहे, नियम से रियाज आप कर नहीं रहे, नियम से उतना समय आप दे नहीं रहे, और फिर कि उन्होंने नहीं सिखाया। अरे वो कौन होता है, कोई कौन होता है सिखाने वाला? कोई नहीं सिखाता है, सिर्फ आप हैं जो सीखते हैं। तो हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए ना, उनकी बताए गए लेसन को हमने अच्छे से फॉलो किया तो अपने आप खुद ब खुद अगला स्टेप हमें दिखेगा, हम उनसे जानने के योग्य होंगे।
बस इतनी सी बात है कि फी के चलते वो रिश्ता मत तोड़िए। क्योंकि मैं तो ऐसा भी करता हूँ, कई बार स्टूडेंट्स अगर मेरे से नहीं सीख पा रहे हैं, कोई भी समस्या आ गई तो भी मैं वो दरवाजे बंद नहीं करता हूँ। जिस अफसाने को अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। साहिर लुधियानवी साहब की एक नज्म की आखिरी दो पंक्तियां हैं ये। तो ये ना करें कि इस तरह से रिश्ता तोड़ के जाएं कि फिर कुछ बचे ही नहीं। गुरु और शिष्य का रिश्ता भी अगर नहीं, किसी संबंध की वजह से नहीं आगे वो संबंध तोड़ना पड़ रहा है किसी वजह से, तो इस तरह से ना तोड़ें। सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते। अहमद फराज साहब का ये शेर है जो गुलाम अली साहब ने गाई है गज़ल, कि इतना तो रिश्ता था वरना कि आते जाते मिल मुलाकात हो जाती, थोड़ी देर दुआ सलाम हो जाता, वो भी न रहा, इस तरह से वो रिश्ता तोड़ के गया है। तो इस तरह से रिश्ता न तोड़ें बिल्कुल भी, न मैं एज अ स्टूडेंट तोड़ूँ, ना एज अ टीचर आप तोड़ें। रिश्ता बना रहे, बात कर लीजिए, नहीं हो पा रहा है सुलझा लीजिए, नहीं भी होगा तो हम कोई बीच का रास्ता ढूंढ लेंगे। इसे दुकानदारी मत बनाइए, बहुत हानिकारक है ये।